मेरे पास एक डेस्कटॉप है जिसका आप मॉडल आप देख सकते हैं, डेल ऑप्टीप्लेक्स 780 सीरीज़ का एक डेस्कटॉप है। तो इसे मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद यहाँ डिस्प्ले आती है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्प्ले तो आ जाती है बट जैसे ही बूट होना स्टार्ट होती है वहीं पे स्टॉप होकर के एरर कोड जनरेट हो जाती है, और एरर कोड के बाद फिर से जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होती है तो अगली बार में फिर से कोड चेंज हो जाती है। बार बार ये स्टार्ट होता है और जो तीन चार कोड हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसमें से कभी IRQL नॉट लेस और इक्वल, तो कभी कर्नल मोड हीप करप्शन, कभी अटेम्प्ट राइट टू रीड ओनली मेमोरी, और कभी सिस्टम थ्रेड एक्सेप्शन नॉट हैंडल्ड। तो यही चारों कोड बार बार रिपीट हो रही थी जिसे आप डिस्प्ले पर देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने हर एक कोड को एक एक करके YouTube पे भी सर्च किया बट कहीं भी कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा भी कैसे फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, हर बार ये कोड चेंज हो जाती है। कोई एक कोड अगर बनी रहती तभी कोई उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता पाता, बट यहाँ हर बार कोड चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि मैंने पेन ड्राइव से भी बूट कराने की कोशिश की बट पेन ड्राइव से भी ये बूट नहीं हो पा रही है। सो फ्रेंड्स, तभी मुझे लगा कि यहाँ सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपके सामने अपने डेस्कटॉप को ओपन करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहें और ये प्रॉब्लम क्यों है और इसकी सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हर एक डेस्कटॉप का इंटरफेस अलग अलग होता है और ओपन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसी तरह से इस डेस्कटॉप का भी अलग तरीके से ये ओपन होता है। तो यहाँ से इसे पुश करना होता है, देन ये ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुकी है, और मैं इसे साइड कर देता हूँ, देन मैं इसे यहाँ से इस तरह से लिटा देता हूँ, और फिर इसमें पावर केबल कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में लाइन आ चुकी है। इसे मैं और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें सब चीज़ आप देख ही सकते हैं, और मैंने जो ट्राई किया इसमें मुझे रैम की प्रॉब्लम दिखाई दी है। तो सबसे पहले मैं इस DVD को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसे पुल करना है, फिर इसे पुश करना है। ये DVD ओपन हो चुकी है और मैं इसे उल्टा के यहाँ रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हार्ड ड्राइव है। सो फ्रेंड्स, इस कंप्यूटर में टोटल 3 रैम लगे हुए हैं। टोटल 3 रैम यानी कि 2GB, 2GB और 4GB। तो इस कंप्यूटर में टोटल 8GB रैम है। तो जहाँ तक मैंने चेक किया, मैंने हर एक रैम को अलग अलग ओपन करके लगा के देखा, तो मुझे इसमें से एक रैम में मुझे फॉल्ट दिखाई दिया, जो कि 4GB का जो रैम था उसी में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो इससे पहले मैं कुछ करूँ, सबसे पहले मैं कंप्यूटर को यहाँ से ऑफ कर दिया हूँ, और इससे पहले मैं चेक कर चुका हूँ। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इस रैम को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो चुकी है और अब देख सकते हैं DDR3 4GB रैम थी, ठीक है। तो अब मैंने रैम को यहाँ से निकाल दिया है, और इसी कंडीशन में आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने पावर बटन प्रेस किया और अब देख सकते हैं कंप्यूटर ऑन हो चुकी है, और वहाँ डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। और अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी है चेंज, अभी सिस्टम मेमोरी चेंज हुआ है। तो यहाँ से ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक के लेके आ जा रहा है, तो मुझे पता है कि मेमोरी चेंज हुआ है। तो मैं F1 प्रेस करता हूँ और यहाँ से F1 प्रेस करके कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर नॉर्मली बूट हो रही है।
तो फ्रेंड्स पहले मैं ऑन करता था तो ये शुरू में ही ये प्रॉब्लम दे देती थी, वहाँ बूट नहीं हो पाती थी। बट आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मली बूट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑन हो चुकी है। और तो यहाँ अब मैं इसे लॉगिन करके देख लेता हूँ कि एक्चुअल में वर्क हो रही है या नहीं। तो आपने देखा ये लॉगिन हो चुकी है और सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपके किसी फ्रेंड को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह के मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।